नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज बात करेंगे बिहार के 5 शहरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पटना शहर के बारे में। बिहार की राजधानी है पटना। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र पुष्पपुरी कुसुमपुर था। पटना विश्व के उन गिने चुने शहरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज भी अपनी संस्कृति में रचा बसा है। वर्तमान में पटना का फैलाव 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना की आबादी 20 लाख से भी अधिक है। पटना शहर देश में 18वां सबसे बड़ा शहर है। यह शहर भगवान बुद्ध से लेकर जेपी के आंदोलन का गवाह रहा है। यहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना के हरमंदिर साहिब में दर्शन के लिए आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। राजधानी पटना एवं इसके आसपास के प्राचीन खंडहर नगर के ऐतिहासिक गौरव का मौन गवाह है तथा नगर की प्राचीन गरिमा को आज भी प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के साथ ही पटना शिक्षा, वाणिज्य और चिकित्सा का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा को लेकर बात करें तो यहाँ कई विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जैसे पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय आदि। वहीं चिकित्सा की बात करें तो PMCH, NMCH, IGMS और एम्स सुचारू रूप से सेवा कर रहे हैं। बिहार की राजधानी होने के कारण प्रदेश के सभी कार्यालयों का मुख्यालय पटना में स्थित है। अब बात गया की। गया जिले का मुख्यालय गया है। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से गहरा ऐतिहासिक महत्व है। गया शहर का उल्लेख रामायण महाभारत में मिलता है। गया शहर तीन ओर से छोटी और पथरीली पहाड़ियों से घिरा है। आपको बता दें कि नगर के पूर्व में फल्गु नदी बहती है। यह शहर मौर्य काल में महत्वपूर्ण नगर था। मध्य में बिहार मुगल सम्राटों के अधीन था। मुगल काल के पतन के बाद गया पर अंग्रेजों ने राज किया। इतिहासकारों की माने तो 1787 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। गया शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि गयासुर नामक दैत्य का वध करते समय भगवान विष्णु के पद चिन्ह यहाँ पड़े थे, जो आज भी विष्णुपद मंदिर में देखे जा सकते हैं। इसे मुक्ति धाम के रूप में भी जाना जाता है। लोग आज भी इसे आदर पूर्वक गया जी कहकर बुलाते हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। यह शहर सूती वस्त्र, लाह की चूड़ियां, शहद तथा आम और लीची के उम्दा उत्पादन के लिए भारत के साथ साथ विश्व में जानी जाती है। खासकर यहां की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं। मुजफ्फरपुर की लीची भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी यहां से भेजी जाती है। अपने उर्वरक भूमि और स्वादिष्ट फलों के स्वाद के लिए मुजफ्फरपुर देश विदेश में स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर शहर के बारे में कहा जाता है कि इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं को मिलकर अस्थायी रूप से इसे देखा जाता है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं। मुजफ्फरपुर में शिक्षा की बात करें तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, लंगट सिंह महाविद्यालय, ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ छात्र अपने जीवन को संवार रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर को देवघर के समान आदर प्राप्त है। सावन के महीने में यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चलिए अब बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर स्वास्थ्य सेवा, मोटर पार्ट, अनाज और किराना मंडी के कारण पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है। मुगल काल से ही पूर्णिया का प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान में पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। यह शहर नेपाल और पूर्वोत्तर भारत में जाने का रास्ता है। यह शहर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। उत्तर भारत को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान से जोड़ता है। पूर्णिया में मैथिली, अंगिका, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा बोली जाती है। पूर्णिया उत्तर बिहार में शिक्षा का केंद्र रहा है। ब्रिटिश काल में स्थापित जिला स्कूल पूर्णिया सबसे पुराना स्कूल है और शहर का सबसे बड़ा विद्यालय है। पूर्णिया में एक केंद्रीय विद्यालय है। इसके साथ ही यहाँ पर कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं।
भारत सरकार द्वारा एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है जिसका निर्माण कार्य जारी है। अब बात करते हैं राजगीर की। मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी राजगीर, यहीं से बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि रही है। वहीं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने पहली बार यहीं उपदेश दिया था। इसके बाद भगवान बुद्ध की समाधि भूमि राजगीर में ही है। जैन ग्रंथ की माने तो राजगीर में जरासंध, श्रेनिक, बिंबिसार, कनिक जैसे प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान रहा है। राजगीर कई धर्मों की संगम स्थली है। राजगीर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। यहाँ 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवागिरी। इन सभी पहाड़ियों में जैन धर्म का मंदिर है। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश विपुलगिरी पर्वत पर दिया था। राजगीर में हर 3 साल के बाद मलमास मेला लगता है। इस दौरान देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ प्रवास करते हैं और गर्म कुंड में स्नान कर पाप से मुक्ति पाते हैं। ऐसे ही रोचक और नए तथ्यों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।